राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। हम मौजूद हैं गुना में, और गुना में हमें एक शख्स मिले जो हूबहू राहुल गांधी की तरह दिखते हैं। गुना में उनसे मुलाकात हुई, आइए उनसे जानेंगे आखिर इस जो ये हुलिया है उनका, उसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से है, इतनी चर्चाओं में रहते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी आपका नाम और आप हैं कहाँ से। जी मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं भोपाल से हूँ। ये जो आप काफी चर्चा में, काफी तस्वीरें आपकी जो है वायरल होती रहती है, और भारत जोड़ो यात्रा के वक्त से ही तस्वीरें जो है वायरल हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए, पहली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से जो मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये लुक आया, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं शुरू से राहुल जी को मानता था, उनसे बहुत प्रभावित था, तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हुई कि लोग मुझे, मतलब मेरा लुक ऐसा उभर के आया कि लोग मुझे राहुल जी के नाम से बुला रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और मैं सबसे ज़्यादा विशेष बात मुझे ये लगती है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कांग्रेस का और राहुल जी का माहौल अपने आप बन जाता है। कई लोग आपसे मिले होंगे, राहुल गांधी समझा होगा, अब तो कैसे रिस्पांस देते हैं उन्हें, क्या लोग आपसे कहते हैं? देखिए, मुझे राहुल जी के इस लुक की वजह से पूरे देश में बहुत प्यार, बहुत सम्मान और बहुत सपोर्ट मिलता है, और सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इस लुक को, और बहुत राहुल जी की बहुत तारीफ करते हैं इस लुक की वजह से। अच्छा, क्योंकि तस्वीरें काफी आपकी वायरल हो रही होती है, परिवार का रिएक्शन क्या रहता है, परिवार वाले क्या कहते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छात्र राजनीति के समय से। ये कहना चाहिए कि लोग तो कॉलेज में आके शुरू करते हैं, मैंने तो स्कूल के टाइम से ही कांग्रेस पार्टी मुझे पसंद थी, और राहुल जी मुझे शुरू से ही पसंद रहे, तो मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रहती है। ये मेरी वाइफ है अंजलि कुशवाहा, ये मेरी बेटी है तुलसी कुशवाहा, ये मेरी भतीजी है, तो मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे। मैं मणिपुर इम्फाल भी गया था, यात्रा शुरू हुई थी 14 जनवरी को, वहाँ से यात्रा मैंने शुरू की थी, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली से। अच्छा, इस गेटअप में आप राहुल गांधी से भी आपने मुलाकात की है, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, राहुल जी तो बहुत खुश होते हैं मुझे जहाँ भी, अभी भी अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ेगी तो वो इस तरीके की स्माइल देंगे कि मैं फिर से फुल बैटरी चार्ज हो जाता हूँ। इसलिए मुझे राहुल जी से कुछ भी कहना होता है तो मैं रास्ते चलते कह देता हूँ, जो भी मुझे बात करनी होती है। राहुल जी से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, अभी देखिएगा, अगर राहुल जी से अभी मेरी नमस्कार भी हो जाएगी तो उनका जो रिएक्शन रहेगा उससे काफी दिन तक मैं बहुत एनर्जेटिक रहूंगा। क्या बातचीत होती है आप दोनों के बीच? मुझे कुछ कहना रहता है तभी, और बाकी जैसे उनको लगता है तो कभी हालचाल पूछ लेते हैं और कैसे हो, तो इस टाइप से बात हो जाती है। चलो, अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हैं और आपको राहुल गांधी समझकर, तो अक्सर तो लोग रोक ही लेते, लेकिन क्या कभी किसी अफसर ने या ऐसी कोई सिचुएशन है किसी ब्यूरोक्रेट ने आपको राहुल गांधी समझ लिया हो और वहाँ पर आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया? नहीं, वैसे अधिकतर लोगों के साथ, चाहे कोई भी हो, चाहे IAS अधिकारी हो, IPS हो, कोई भी मुझे पहली नज़र में देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, और खुद ही आके लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि अरे आप राहुल जी, कई बार होता है कि अरे आप राहुल गांधी हैं क्या, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ उस चीज़। भोपाल से आप हैं, और भोपाल की सड़कों पर जब आप ऐसे उतरते होंगे तो वहाँ पर भी कुछ अलग रिएक्शन देखने को मिलता है? भोपाल में तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, पूरा भोपाल मेरा सपोर्ट करता है और बहुत प्यार मिलता है, ये मुझे राहुल जी की वजह से मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे बहुत गर्व होता है, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राहुल जी के हिस्से का प्यार मुझे मिल रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी चल रही है, प्रचार करने भी आप इसी गेटअप में उतरेंगे? जी बिल्कुल, मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जहां भी भेजेगी, मैं बिल्कुल इसी गेटअप में, इसी लुक में प्रचार करूंगा पार्टी का। इलेक्शंस लड़ने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? नहीं, वो राहुल जी के ऊपर है, राहुल जी मुझे जो ड्यूटी सौंपेंगे वो उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, मेरा कुछ अलग से वो नहीं है कि। तो ये गेटअप ऐसा कब तक रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदलेगा या ऐसे ही चलेगा? नहीं देखिए, ये टी शर्ट लुक तो हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो पहली यात्रा थी वो बहुत ऐतिहासिक यात्रा के रूप में देश में छा चुकी है, देश में अपना माहौल बना चुकी है, तो ये लुक मेरा उसी यात्रा की याद दिलाता है सभी को, तो ये लुक तो चलेगा कंटिन्यू। और जहाँ तक मेरा मानना है कि राहुल जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक तो ये लुक मैं रखूंगा, ये टी शर्ट और ये जो लुक है। अच्छा,
जब पहली बार इस लुक में आए थे तब सोचा था यही ख्याल था या बस क्योंकि अच्छा लग रहा था इसलिए इस गेटअप में आ गए? नहीं, जब इस गेटअप को मैंने वो किया था तो मेरा ये विचार था कि कुछ जब तक नया और बहुत बड़ा नहीं हो जाता पार्टी के लिए और राहुल जी के लिए, तब तक तो ये लुक रखना चाहिए, ये सोच। राहुल गांधी जब तक पीएम नहीं बन जाते तब तक इसी गेटअप में जो है रहने वाले हैं और कई जगहों पर लोग जो है राहुल गांधी समझ लेते हैं, भीड़ भी जो है वो उन्हें रोक लेती है, लेकिन राहुल गांधी के लिए प्रेम है और उन्हें देखकर काफ़ी एनर्जाइज जो है वो राकेश जी महसूस करते हैं, ऐसा उनको उनका कहना है। और पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो मणिपुर से इस यात्रा में भी नजर आए हैं और आगे भी इसी गेटअप में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ गुना से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।